गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तारीख है 2 दिसंबर 2022 और आज हम आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जो कि वेरियस जो सेंट्रल लेवल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर आप ज़रा गौर फरमाएँ, ध्यान दें। ये टॉपिक हाल ही में ये न्यूज़ बनी हुई है, पिछले 2-4 दिन में, एक हफ्ते में न्यूज़ बनी हुई है कि अमेरिका के जो डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वहाँ की कांग्रेस को एक डोजियर यानी कि एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने बोला है, जिस रिपोर्ट में ये वर्णित है कि चाइना ने अभी अपने आप जो नया ओवरसीज़ नेवी का बेस, ओवरसीज़ मतलब दूसरे देश में एक फुल फ्लेज्ड उनके नेवी का बेस बना लिया है, वो भारत के लिए बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। तो हम यहाँ आ जाए हैं एनालाइज करने के लिए, क्या वाकई में ये हमारे लिए चिंता का विषय है? जी हाँ, चिंता का विषय तो होना चाहिए, बट हमें ये देखना है कि चिंता की जो ग्रेविटी जो है, चिंता की ग्रेविटी कितनी है और इसको हमको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट एजुकेटर्स जो है वो अपने मतलब सोच के हिसाब से, अपने थिंकिंग, अपने आइडियोलॉजीज के हिसाब से डिफरेंट सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, क्योंकि गलत और सही कोई नहीं होता है। जब भी हम लोग जो अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं, तो हो सकता है किसी का कोई और विचार हो, किसी का कोई और विचार हो। स्टूडेंट्स, ये जो देश है ये बहुत ही छोटा देश है और अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और वो कंट्री का नाम है जिबूटी। ठीक है, नाम जिबूटी है लेकिन लिखा जाता है डी से स्टार्ट होता है जिबूटी। वो कंट्री का नाम है जिबूटी, DJIBOUTI, जिबूटी। ये अफ्रीका है जो मैंने मैप में बना रखा है, ये अफ्रीका है। और यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कर रखा है, ये छोटा सा कंट्री है जिबूटी। जिबूटी की जो लैंड एरिया है, जो उसकी एरिया है लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड एरिया, और वहाँ की आबादी मात्र 10 लाख के आसपास है। जिबूटी में ऐसा कोई खास एग्रीकल्चर नहीं होती है, वहाँ की जनता बहुत ही पुअर है, वहाँ का जो है ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पर ऐसा कोई एग्रीकल्चर की कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, ना ही कोई कृषि उत्पादन ज़्यादा होती है, ना ही कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ भी नहीं है। बस इनके पास अगर है तो किस्मत है, इनकी देश की लोकेशन ही इनकी किस्मत है। और इनकी देश जो है ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन एरिया जो है, ध्यान से देखिए, ये है जिबूटी, ये ग्रीन एरिया, ये है अफ्रीका, इस तरफ जो है अफ्रीका। अब देख के ही समझ गए होंगे कि ये अफ्रीका का मैप है, क्योंकि अफ्रीका का मैप में जो है उसके जो ईस्टर्न साइड में हमेशा जो है एक हॉर्न निकले रहता है, जो सिंह निकले रहता है, उसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप सबको मालूम है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्री है उसका नाम है सोमालिया। ये पूरा जो है ये सोमालिया है, लेकिन आज की डेट में जो है सोमालिया जो है एक फैक्शन है सोमालिया का जो है, उसका नॉर्दर्न साइड जो है वो सोमाली लैंड बन चुका है, लेकिन उसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं है, वहाँ पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट बन चुका है, उनकी अपनी इलेक्शन होती है, उनकी अपनी शासन व्यवस्थाएं हैं जो कि सोमालिया को लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस जो है, अभी तक इसको मान्यता नहीं दिया है सोमालिया लैंड को। वो ये मान के चलते हैं कि ये जो सोमाली लैंड जो है ये सोमालिया का ही हिस्सा है, तो इसलिए पूरे को सोमालिया ही मान के चलते हैं। यानी कि ये जो जिबूटी है, ये जिबूटी है, जिबूटी के अगर आप देखिए बिल्कुल ये नीचे की तरफ जो है, यानी कि साउथ के तरफ मान के चलिए, साउथ भी मान के नहीं चलेंगे, ईस्ट की तरफ मान के चलिए सोमालिया है, और इसके जो है पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ इथियोपिया है, और नॉर्थ की तरफ जो है कंट्री इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया भी अभी नया नया आज़ाद हुआ है देश है, बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसको आज़ाद होने के लिए इरिट्रिया। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बिल्कुल भी लैंडलॉक नहीं है, और इसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह में वर्ल्ड में ये लोकेटेड है, और यही इसकी किस्मत है। इसकी किस्मत ये है, आप देखिए कि ये जो एरिया जो है ये इंडियन ओशन एरिया है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मानचित्र के बारे में बता देते हैं। ये लाल सागर है, रेड सी है, यानी कि कोई भी जहाज जो है जो स्विच कैनाल क्रॉस करता है यूरोप जाने के लिए, वो जहाज जो है यहाँ से आके ये अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, गल्फ ऑफ एडन से घुस के, और यहाँ से जाके ये जो पतला सा रास्ता है, यहाँ से जाके रेड सी से होते हुए वो जो है मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यूरोप चले जाता है। ठीक है, अब ये जो पतला सा रास्ता ये स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, बाबल मंदेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट का नाम ये जो एरिया है बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये एरिया बाबल मंदेब स्ट्रेट। ठीक है, तो जहाज़ों का रूट यही होता है,
और आप देखिए इसकी जो पोजीशन जो है इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ये पोजीशन बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन के एंट्रेंस में और एकदम बाबल मंदिर स्ट्रेट के सहारे ही लगा हुआ है, और उससे सट के स्टार्ट होता है एरिट्रिया। अगर आप लोगों को याद नहीं रख पाएंगे तो कंट्री का नाम है एरिट्रिया, वो कंट्री का नाम है। मात्र छोटा सा देश, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का देश, और आज यहाँ पर कई दुनिया के कई देशों की जो है यहाँ पर मिलिट्री बेसिस है। अब वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये सोचा कि मेरे देश में तो कुछ होता ही नहीं है, ना ही मेरे कंट्री में कुछ पैदावार होती है, ना ही मेरे कंट्री में कोई मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो क्यों ना हम अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को ही इस्तेमाल करें। तो इन्होंने क्या किया है, अपने जगह को, अपने कंट्री के जगह को जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को दे रखा है अपना अपना बेसिस बनाने के लिए। और यहीं पर जो है चाइना ने भी इनके साथ नेगोशिएट करके 2015 में ज़मीन लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसने अपना बेस डेवलप किया। जाहिर सी बात है कि ये पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत गल्फ ऑफ एडन है और ये रेड सी है, तो चाइना ने जो वेस्टर्न साइड है जिबोटी का पश्चिमी की तरफ, क्योंकि पश्चिम की तरफ ही इसका पानी का सोर्स है गल्फ ऑफ एडन, और आगे चल के यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सी है, और ये नीचे जो है इंडियन ओशन है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना बेस बना लिया है। और ये बेस जो है अभी अभी हाल फिलहाल जो है ये ऑपरेशनल हो गया, फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। आपने जो थंबनेल में देखा है जो पिक्चर जो वो एक्चुअल यही चाइनीज़ बेस का, चाइनीज़ नेवल बेस का सैटेलाइट इमेज है। आप देख सकते हैं कि फुल्ली तरह से ऑपरेशनल है, वहाँ पर अच्छे खासे पियर बने हुए, पियर मतलब कि जहाँ पर कि जो लड़ाकू जहाज आके वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म एक तरह से जहाजों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ, वहाँ पर जो है सबमरीन आ सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो डोजियर में लिखा हुआ जो उन्होंने कांग्रेस को सबमिट किया है। अब इंडिया अब मेन थिंग होती है कि इंडिया, क्योंकि चाइना जो भी चीज़ करता है वो इंडिया को अपने दिमाग में लेके करता है, क्योंकि उसका नियरेस्ट कंटेंडर जो है इंडिया है, भारत है, यहाँ पर है भारत, ठीक है। अब आप ये देखिए, आप नोटिस ये कीजिए कि भारत यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर जिबूटी में जो है इन्होंने क्यों लिया है चाइना ने, और अपना इतना बड़ा नेवल बेस क्यों इन्होंने बनाया। देखिए क्या होती है ना, पावर प्रोजेक्शन के लिए, अपने पावर प्रोजेक्शन के लिए आप लोगों को शो करना पड़ता है, किसी भी कंट्री को शो करना पड़ता है कि उनकी प्रेजेंस कितने कंट्रीज़ में है। आप लोगों को जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक ये बता देता हूँ कि अमेरिका की प्रेजेंस जो है दुनिया में करीब इतनी है कि 750 से भी ज़्यादा बेसिस अमेरिका के, मिलिट्री बेसिस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हैं। आप देखिए उनकी कितनी पावर है, 750 बेसिस है। ये अलग टॉपिक है, किसी दिन और डिस्कस करूंगा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो कि दुनिया भर के हर देश में है और अमेरिका ने उनको क्यों बना के रखा हुआ है। चाइना का बोलना है कि ये जो बेस जो है उन्होंने ये इसीलिए बनाए लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनका मानना है, चाइना का मानना है कि लीबिया में जब रेबल्यूशन हुआ था, है ना, जो लीबियन, तो उस टाइम उनको अपने लोगों को वहाँ से बचा के लाना पड़ा था, करीब करीब 35,000 लोगों को, और उनको काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि उनकी वहाँ पर अफ्रीका रीजन में कोई प्रेजेंस नहीं था चाइना का। बाद में जो है यमन में भी जो प्रॉब्लम हुआ था 2015 के आसपास जो है, चाइना को जो है अपने करीब करीब 500 लोगों को वहाँ से बचा के लाना पड़ा था। तो इसीलिए ये सब कंट्रीज़ के नज़दीक रहने के लिए चाइना ने कहा ये बेस जो है सिर्फ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, यानी कि यहाँ पर चाइना की जो है जो समुद्र बेड़ा जो है उनके जो जहाज़ है यहाँ रहते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ के जहाज़ जो है कई कंट्रीज़ के जो जहाज़ इस एरिया में रहते हैं, ताकि जो ये सोमालिया के पायरेट्स जो हैं वो जहाज़ों को कब्जा न कर सके फिरौती वसूलने के लिए। ये एरिया में, ये एरिया इंडियन ओशन का ये एरिया में बहुत ज़्यादा पायरेसी मशहूर है ये सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा। इंडिया भी यहाँ पर गश्त लगाती रहती है, अमेरिका भी गश्त लगाते रहता है। अब ये जिबूटी में जो है सिर्फ चाइना का ही ये नेवल बेस नहीं है, हालांकि चाइना का पहला नेवल बेस है जिबूटी में, यहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका का प्रेजेंस है, ठीक है। चाइना का बेस जो है वेस्टर्न साइड में है, जिबूटी के वेस्टर्न साइड में है, और अमेरिका का जो उनका जो एयरफोर्स बेस यहाँ पर लोकेटेड है उसका नाम है कैंप लेमोनियर, ये करीब सदर्न साइड में, जिबूटी के सदर्न साइड में। इसके साथ फ्रांस का भी बेस है, जापान का भी है, इटली का भी है, कई देशों का बेस है, और ये लोग इनको किराया चुकाते हैं। अमेरिका अकेले साल में $63 मिलियन जो है जिबूटी को देता है ये बेस को जो लीज लिया है इसलिए। अब चाइना जो है साल में लगभग $25 मिलियन देता है, ये सब कुल मिला के करीब करीब सालाना $125 से $130 मिलियन जो है जिबूटी कमा लेता है अपने बेस को लीज करके। इसके साथ साथ उसके वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को भी इससे थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाती है लोकल पॉपुलेशन को बेसिस में, ठीक है। वहाँ जो लोग हैं उनके थोड़े बहुत छोटे बहुत मोटे व्यवसाय चल जाते हैं, जो बेस में काम करते हैं लोग तो बाहर निकलेंगे ही, हैं, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं, तो इससे उनके थोड़ी सी बिजनेस वगैरह में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो मेरे विचार से तो इंडिया को इतना टेंशन लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बाकी जो हैं, बाकी जिनके बेसिस हैं, वो ऑलरेडी हमारे अलाय हैं, यानी कि जापान हमारा दोस्त ऑलरेडी है, फ्रांस से हमारे संबंध भी बिल्कुल अच्छे बने पड़े हैं, ठीक है, और इटली से भी अच्छे खासे संबंध है, अमेरिका हालांकि हमारा दोस्त है लेकिन अमेरिका कब दल बदलता है इसका कोई पता नहीं, और वैसे भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है। दुनिया की जो पॉलिटिक्स होती है जिसको जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है। दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, और अपने देश के में क्या मतलब हम मेरे देश के लिए फेवर में क्या है वो देख के ही कंट्रीज़ जो है अपने डिसीजन लेती हैं। तो फिर भी जो है प्रॉब्लम ये, यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी बात यह है कि अमेरिका और चाइना दोनों के बेसिस अब यहाँ पर हो गए, और हम जानते हैं कि अमेरिका और चाइना जो है कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, अभी तो बनेंगे भी नहीं जहाँ तक हमारी सोच ये है। इसका मतलब दोनों का जो पावर को बैलेंस करने के लिए दो जन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये जो चाइना का जो नेवल बेस वहाँ पर बना हुआ उसको बैलेंस करने के लिए पावर अमेरिका का लेमोनियर कैंप लेमोनियर ऑलरेडी वहाँ पर है जो कि एयरफोर्स बेस है। अभी जो है अमेरिका ने कई बार जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को, जिबूटी के प्रेसिडेंट को ये कंप्लेन किया है कि चाइना की तरफ से जब हमारे वहाँ पर प्लेन्स जो है फ्लाई करते रहते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई करते रहते हैं, तो लेज़र पॉइंटर से मारते हैं जिससे कि कई बार हमारे पायलट्स को असुविधा होती है, एक्सीडेंट हो सकती है। चाइना इस पर साफ मना कर देता कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते, अमेरिका कुछ भी बोलने लग जाता, बल्कि उल्टा चाइना जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि अमेरिका के प्लेन जो है हमारे बेस के बहुत नज़दीक से उड़ते हुए जाते हैं ताकि हमारे ऊपर वो स्पाई कर सकें। इस तरह की जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन चलती रहती है यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, अब ये आपको लोगों को समझ में आ गया रेड सी है, ठीक है, ये बाबल मंदिर स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पर देखिएगा कि उसके बाद इस साइड अगर रेड सी के इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पर कंट्री यमन, यमन आप जानते हैं कि यमन में अभी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उनमें फाइटिंग चलती रहती है, वहाँ पर अलकायदा का बहुत बोलाबाला है यमन में, और यमन के ठीक नीचे जो है यमन की ही अपनी एक आइलैंड है, जैसे इंडिया की है ना अंडमान निकोबार आइलैंड, उसी तरह यमन की ही अपनी आइलैंड है जो कि यमन का जो है सोवरेंटी में आता है, यानी कि यमन कंट्री में आता है, उसका नाम है सोकोत्रा द्वीप, यानी कि सोकोत्रा आइलैंड जो है उसका नाम ये है। ठीक है, अब यमन का आगे क्या है तो ओमान आ जाता है, यहाँ पर यूएई आ जाता है। बोलने के लिए जो है ये जो सोकोत्रा द्वीप जो है यमन का हिस्सा है, ये दुनिया भी मानती है, सबको जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस तक मानता है कि जो सोकोत्रा द्वीप है वो यमन का है, लेकिन यूएई की दादागिरी है, उसने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, पिछले कई सालों से कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब देखिए यमन में तो वैसे ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चली हुई है, अब यूएई ने दादागिरी में या सोकोत्रा में अपना कब्जा कर रखा है, यूएई ने वहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट वर्क किया है, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, हॉस्पिटल बनाए हैं, लोगों को जो है वहाँ के लोगों को फ्री में वर्क परमिट दे रहा है कि आप जाके यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात जो दुबई, दुबई हम लोग बोलते हैं, हालांकि अकेले दुबई यूएई नहीं बनता, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बोला, यूनाइटेड अरब अमीरात के लोग यहाँ के लोगों को, सोकोत्रा के लोगों को वो देता है परमिट कि आप जाओ वहाँ पर नौकरी करो। ठीक है, अब दुबई जो है, यूएई जो है यहाँ पर टूरिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, उसने अपने वहाँ मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, उसने वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर अपने झंडे लगा रखे हैं, मतलब एक तरह से जो मान लो ना कि ज़बरदस्ती का कब्जा करके रखा हुआ है यहाँ पर सोकोत्रा में, यूएई ने ज़बरदस्ती का कब्जा कर रखा है। अब कई सारे जो है हमारे जो सोचने वाले जो है बुद्धिजीवी भी हैं वो ये कहते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए जो है इंडिया को क्यों नहीं सोकोत्रा द्वीप जो है लीज़ पे ले लेता यमन से। देखिए कोई भी विवादित भूमि को लीज़ में लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और किसी तरह वो लीज़ में हमने ले भी लिया तो उसमें प्रॉब्लम आती ही रहती है। अब यमन जो है, मैं ये नहीं कहूँगा विवादित नहीं है, विवादित ही एक तरह समझ लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनली यमन का ही हिस्सा जो है सोकोत्रा है, लेकिन अभी सोकोत्रा पर फुल कंट्रोल जो है यूएई का है, यूएई की चल रही है, यूएई का ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यूएई का पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यहाँ तक यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक जनमत संग्रह करने के लिए। ठीक है, मतलब यहीं के पब्लिक को पूछ लो भैया आप किसके साथ रहना चाहते हो, हमारे साथ रहना चाहते हो या यमन के साथ रहना चाहते हो, यानी कि वहाँ के पब्लिक को यूएई इतनी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं और दे भी रही है कि धीरे धीरे वो पब्लिक का टोटल सपोर्ट जो पहले गेन कर लेना चाहती है ताकि कल को अगर एक जनमत संग्रह हो, एक प्लेबिसाइट हो, कुछ भी हो, तो उसमें सारे लोग जो है ये वोट करें कि हम यूएई के साथ ही रहना चाहते हैं। अब तुर्की जो है, तुर्की कंट्री आप जानते हैं अर्दोगन साहब को कह रहे हैं कि हम ये चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं कि सोकोत्रा द्वीप में क्या हो रहा है। अरे तुर्की साहब, अर्दोगन साहब, पहले आप अपने दिमाग देख लो, अपनी कंट्री देख लो, आधा साइप्रस तो आपने वैसे ही कब्जा करके रखा हुआ आज से नहीं कई सालों से, यूनाइटेड नेशन की भी आप सुनते नहीं, वहाँ भी आप दादागिरी मचाते हो। आ जाते हैं पंचायती करने तुर्की, जहाँ
मौका मिला। वैसे इंडिया में देखे ना आपने, आगे पंचायती करने के लिए जब हमने वो आर्टिकल रिमूव किया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब हमने रिमूव किया तो आगे वहाँ भी पंचायती करने के लिए, पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पहले अपने तो खुद देख लो, क्या कर रहे हो तुम साइप्रस में, वहाँ इतने सालों साल से 35% हिस्सा तो तुमने ज़बरदस्ती के कब्जा करके रखा हुआ अर्दोगन साहब। खैर छोड़िए, अर्दोगन का कहानी बेकार की बात है, उसके बाद डिस्कस करना ही नहीं है अर्दोगन की। तो बोलने का मतलब ये है कि अब ये जो पोर्ट, फिर भी इंडिया जो है फिलहाल के लिए, तो मेरा विचार तो ये है कि सोकोत्रा द्वीप से दूर ही रहे इंडिया जो है, इसको लीज़ लेने का प्रयास ना करे, और लीज़ मिलेगी भी नहीं जब तक कि ये कंट्री नहीं चाहेगी, और यमन चाहेगी भी तो अभी लीज़ नहीं ले पाएगा, क्योंकि यूएई का जो है यहाँ पर सब कुछ चलता है। यूएई ने यहाँ पर अपना सीपोर्ट बना रखा है, एयरपोर्ट बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है, लॉजिस्टिक सेंटर बना रखा है, और यूएई के साथ इंडिया का जो है बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत ही अच्छे संबंध है। इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए कि यूएई के साथ कोई मेमोरेंडम साइन कर लेना चाहिए, या कुछ कि हम जो है आपके इस एरिया में अपने पोर्ट्स में जो है हम अपने कुछ जो है कोई बेड़ा, समुद्री जहाज, या कोई ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए कुछ के लिए, या मेरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर जो है वहाँ के इस एरिया को, इंडियन ओशन एरिया को जो है सेफ रखने के लिए कुछ भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कर लेना चाहिए, हम अपनी फौज को यहाँ पर तैनात करना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी दूरी जो है जिबूटी से बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का जो है इरिट्रिया से, ये जो कंट्री नंबर टू है, इससे भी जो है संपर्क जो है बहुत ही अच्छा है इंडिया का इरिट्रिया से, और आज से नहीं, जब से इरिट्रिया आज़ाद हुआ तब इंडिया का रिलेशन इरिट्रिया से बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि इरिट्रिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी इंडिया ने मदद किया। इरिट्रिया का जो एजुकेशन सेक्टर में आज की डेट में भी करीब उनके 80% टीचर जो है इंडियन टीचर्स है इरिट्रिया में, ठीक है ना। वहाँ का जो एग्रीकल्चरल रिसर्च में, वहाँ पर फूड ग्रेन कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, उसमें इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से, तो उनसे हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है इरिट्रिया से। गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इरिट्रिया, ये जस्ट एक सजेशन है, ठीक है, ये जस्ट एक मेरी तरफ से सजेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इरिट्रिया का जो ये कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो समुंदर से यानी कि पानी से लगा हुआ जो बॉर्डर है, ये करीब करीब जिबूटी से जो है ना लगभग 1000 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, और इरिट्रिया के ये लंबी कोस्ट लाइन में इरिट्रिया के पास दो जो है पोर्ट है, ठीक है, दो सी पोर्ट है। एक का नाम है असाब, ये वाला पहला जो है ये नाम है इसका असाब, असाब पोर्ट है, और दूसरा का नाम मसावा पोर्ट है, ठीक है, असाब पोर्ट और मसावा पोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जरूर कर सकती है कि क्योंकि हमारे इरिट्रिया से संपर्क बहुत अच्छे हैं, इरिट्रिया के साथ मिल के बैठ के इनसे वार्ता करके जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हमारे इनके साथ ठीक ठाक से हैं, यहाँ की कोई एक पोर्ट को, और बेसिकली कोई एक नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा असाब पोर्ट को, क्योंकि असाब जो है जिबूटी के नीचे है, एकदम नज़दीक है, इसको डेवलप करना चाहिए, जिस तरह की इंडिया ने यहाँ पर जो है चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। हाँ, ये बता दूं कि पूरा का पूरा चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल इंडिया के नियंत्रण में है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे पोर्ट मतलब जो समुद्र पोर्ट में कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कई सारे जहाज आ सकते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया ने ले रखा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन का अपॉर्चुनिटी था कि अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन डालने की। अब आप देखिएगा, ये जो है ये ईरान है, यहाँ पर जो है चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, करीब करीब 60-70 किलोमीटर, 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इंडिया ने क्योंकि फंडिंग के लिए लेट किया, क्योंकि यहाँ से जो है रेलवे लाइन जो चाबहार पोर्ट से जो निकलती या अफगानिस्तान के जरंज तक आ जाती और यहाँ से जाके काबुल में टर्मिनेट कर जाती, यानी कि इंडिया को जो सेंट्रल एशिया को जो एक्सेस जो है बहुत अच्छे से हो जाता, लेकिन लेट होने के कारण जो है चाइना के गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, सॉरी ईरान के गवर्नमेंट ने जो है, चाइना गवर्नमेंट ने जब अप्रोच किया वो मान गए हैं, और चाइना ने अगले 25 साल में $450 बिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। तो ये सब देखते हुए, ये सारा चीज़ हमने जो एनालाइज किया, ये देखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें इतनी टेंशन नहीं है कि अगर चाइना ने यहाँ फुल फ्लेजेड जो है अपना एक बेस ऑपरेशनल कर लिया है, नेवल बेस ऑपरेशन कर लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से रह के इंडियन ओशन पर काफ़ी नज़र अच्छे से रख सकता है, इंडियन ओशन में मूवमेंट ऑफ द शिप, कल को अगर कोई इस तरह की परिस्थिति, विकट परिस्थिति का पैदा होती है जिसमें कि मतलब वॉर का सिचुएशन, वॉर या वॉरलाइक सिचुएशन आ जाता है, तो क्योंकि यहाँ से हम व्यापार करते हैं, इंडिया जो है इस रूट से व्यापार करता है, तो ये एक चोक पॉइंट है, इसको जो है चाइना चोक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसीलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा मेजर चिंता का विषय नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या हम असब पोर्ट को या फिर मसावा पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।
और कुल मिला के जो है अगर कोई कहेगा कि सर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका के सिंग में यहीं क्यों ना एक पोर्ट बना लेते, बिल्कुल में नहीं, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं। सोमालिया में बिल्कुल ही बहुत ही अनरेस्ट है वहाँ के, हमेशा वहाँ पर जो उनका सिविल वार चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है। अलग सा तो इन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट बना लिया, ये ऊपर का ये सोमालीलैंड ये वाला एरिया जो है ये सोमालीलैंड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आज़ाद है, ये सेपरेट गवर्नमेंट है, सेपरेट कंट्री है, लेकिन दुनिया ने मान्यता नहीं दी है सोमालिया, इसको सोमालिया का ही हिस्सा माना जाता है। तो इस परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर एक पोर्ट बनाना फिलहाल के लिए तो ठीक नहीं है, वरना अगर अभी सोमालिया जो है एक शांति वाला देश होता तो यहाँ पर जो है ये पोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड पॉइंट में है, यहाँ पर बनाया जा सकता था। ठीक है, तो यही आज के लिए आपको बताना था कि जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो ये कॉरपोरेट डोजियर निकला है ये चाइना के नेवल बेस को लेके, तो ठीक है इससे मैं आपको अवगत करना चाहता था। फिर से दोबारा से एक नए टॉपिक चाहूँगा, आपको कैसा लगा ये टॉपिक आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कोई टॉपिक जो है करंट अफेयर्स या कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।